Hello dear students, welcome again in my YouTube channel of Biology Concepts. So, आज का हमारा topic of discussion है plant hormone. जैसा कि आप सबको पता है, मैंने plant hormones का एक overview आपको दिया था. दूसरा उसके बाद मैंने उसी sequence में एक मैंने video auxin का बनाया. आज का ये video में हम लोग gibberellin के बारे में discussion करेंगे. और gibberellin को हम लोग gibberellic acid भी बोल देते हैं. आप देख सकते हैं मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स. और जो जिब्रेलिन हार्मोन है ये बेसिकली एक फंगस से इसको आइसोलेट किया गया था. जापान में इसकी डिस्कवरी हुई थी और एक फंगस था जिसका नाम है जिब्रेला फुजिकोरी. और इसने क्या करा, ये जो फंगस था इसने राइस प्लांट को इन्फेक्ट किया एंड कॉज देम टू बिकम एक्सेसिवली टॉल एंड स्पिंडली. और इसकी वजह से कैसा बन गया प्लांट, टॉल और स्पिंडली. और आप सबको मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट फंक्शन जिब्रेलिन का एक बता दूं कि जो जिब्रेलिन था बिल्कुल ऑक्सिन की तरह ये भी स्टेम इलोंगेशन करेगा. कैसे करेगा स्टेम इलोंगेशन स्टूडेंट्स? तो स्टेम इलोंगेशन के लिए ये इनलार्जमेंट करेगा सेल्स का. देयर विल बी इनलार्जमेंट ऑफ सेल्स. नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो इन्फेक्शियस फंगस प्रोड्यूस हो रहा है, जो यहाँ पे ये फंगस है इसने एक केमिकल को प्रोड्यूस किया जो कि प्लांट की, राइस प्लांट की जो ग्रोथ था उसको उसने स्टिमुलेट किया. और इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि जो प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है बहुत सारे जिब्रेलिन्स, GA1, GA2, GA3, तो सभी की वजह से प्लांट की इंक्रीज लेंथ में इंक्रीज होती है. तो ये इसका एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है, इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ. अगले पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है, जो जिब्रेलिन है ये सीड डोरमेंसी को ब्रेक करेगा. इट विल ब्रेक सीड डोरमेंसी. और सीड डोरमेंसी स्टूडेंट्स आपको पता है देयर विल बी सस्पेंशन ऑफ ग्रोथ. जब कोई भी प्लांट या एनिमल अपनी ग्रोथ कंडीशन को सस्पेंड कर देता है तो उस कंडीशन को हम लोग डोरमेंसी बोलते हैं. आप लिख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट सस्पेंशन ऑफ ग्रोथ. इस तरीके से ग्रोथ को सस्पेंस करेगा और ये सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है. तो अगर एब्सेसिक एसिड की हम लोग बात करेंगे जब आगे स्टूडेंट्स, ABA जो है हमारा एक प्लांट हार्मोन, तो ये क्या करता है सीड डोरमेंसी को इंड्यूस करता है. ये ब्रेक करता है और वो सीड डोरमेंसी को इंड्यूस करता है. ये सस्पेंशन ऑफ ग्रोथ को क्या करता है, ब्रेक करेगा, ग्रोथ को ब्रेक होने से रोकेगा, आप ऐसा कह सकते हैं, ब्रेक सीड डोरमेंसी. और इसका जस्ट एंटागोनिस्टिक फंक्शन कौन करेगा स्टूडेंट्स, ABA. एंटागोनिस्टिक का मतलब जस्ट अपोजिट काम करने वाला है ABA, एब्सेसिक एसिड. किस टॉपिक से रिलेटेड, सीड डोरमेंसी. अगर ये ब्रेक कर रहा है तो जो ABA है वो सीड डोरमेंसी को इंड्यूस करता है. इट विल इंड्यूस सीड डोरमेंसी और बड डोरमेंसी. इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग कह सकते हैं कि जो जिब्रेलिन है, जो जिब्रेलिक एसिड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है. और मैं एक पॉइंट आपको यहाँ पे और बताना चाह रही हूँ कि जो जिब्रेलिन है ये फ्लावरिंग को भी स्टिमुलेट करता है. स्टिमुलेट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रमोट करना, स्टिमुलेट फ्लावरिंग एंड फ्रूट, फ्रूट का डेवलपमेंट भी कराता है एंड हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट. और यू कैन राइट हियर फ्रूट डेवलपमेंट. नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो ये सीड और बड जर्मिनेशन को भी प्रमोट करता है. इट विल प्रमोट सीड एंड बड जर्मिनेशन. और हम लोग अगर इसकी सिंथेसिस की बात करें कि इसकी साइट ऑफ सिंथेसिस स्टूडेंट्स कहाँ होती है, ये पॉइंट मैं स्किप कर गई हूँ. हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं साइट ऑफ सिंथेसिस. तो जिब्रेलिन जो है शूट और रूट टिप्स में सिंथेसाइज होगा, शूट एंड रूट टिप. यंग लीव्स में और इमैच्योर सीड, यंग लीव्स एंड इमैच्योर सीड. तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे भूल रही हूँ आपको बताना, और मुझे यहाँ पे बताना बहुत जरूरी है कि इट विल इंक्रीज फ्रूट साइज.
फ्रूट की साइज को भी बढ़ाएगा। हालांकि मैंने फ्रूट डेवलपमेंट लिखा हुआ था, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इट विल इंक्रीज इन साइज ऑफ फ्रूट या फ्रूट साइज। तो इस तरीके से हम लोगों ने कौन कौन से स्टूडेंट्स फंक्शन पढ़े। पहला फंक्शन तो मैंने आपको बताया था कि स्टेम इलॉन्गेशन कराता है, फ्लावरिंग और फ्रूट डेवलपमेंट कराता है, सीड जर्मिनेशन और बड जर्मिनेशन कराएगा, और ब्रेक करता है सीड डॉर्मेंसी को, और क्या करता है फ्रूट की साइज को बढ़ाता है। इसकी आपको मैंने साइट ऑफ सिंथेसिस भी बता दी है, आप इसको नोट कर लें। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में से क्वेश्चन आ जाते हैं कि राइट एनी टू फंक्शंस ऑफ जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन। तो आपको एक एक हार्मोन में स्टेप बाय स्टेप इसलिए डिटेल में डिस्कशन कर रही हूँ, बहुत ही मैंने शॉर्ट में वीडियोस बनाया ताकि आपकी जो एक बेसिक नॉलेज है उसको बिल्ड करना है, और डिटेल में मैं नहीं जा रही हूँ इसीलिए। ओके स्टूडेंट्स, मुझे लग रहा है कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही होगी। और अगर इसी तरह आपको हमारे वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखा करें कि आपके कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस चाह रहे हैं। आप मुझे अपने टॉपिक्स बता सकते हैं कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, तो मैं उस टॉपिक को पहले कवर कर सकती हूँ, अदरवाइज मैं अपने सीक्वेंस से चलती हूँ। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू फॉर योर कंटिन्यूअस सपोर्ट। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय, टेक केयर।